बस में चंद्राकर हार्डवेयर में आया था वसूली के लिए, चिल्लर वसूली रहती उसके लिए, तो पैसे लेके जैसे ही मैं उसकी दुकान से पैसे लिए और बस में जैसे ही चढ़ रहा था तो देखा चैन खुला हुआ है, और मैं देखा चैन कैसे खुला हुआ है करके नीचे उतर के देखा तो पैसे मेरे गायब थे, जिसमें 1,30,000 रुपये थे। और मैं हड़बड़ा के फिर से वापस उनके दुकान में गया तो उन्होंने फिर इधर उधर फ़ोन लगाना चालू किया, तो पुलिस प्रशासन तुरंत मदद के लिए आई और उनके सहयोग से ये पैसा बरामद हुआ। नाम दीपक कुमार यादव। आज दोपहर लगभग 3 बजे यह सूचना आई थी कि भिलाई का एक ट्रेडर्स में काम करने वाला रिकवरी एजेंट जो सिकोसा में माल दिया था उसका पैसा लेने के लिए सिकोसा आया हुआ था और अपना पैसा लेकर वो बस में चढ़ा था। उनको लगा कि उनके बैग खुला हुआ है तो वह देख के बैग में देखा कि पैसे नहीं थे, तो वह उतरा वहाँ से और पता किया कि मेरे पैसे आखिर कहाँ गए। उसके पश्चात उनको ये पता चला कि 3 महिलाएं थी जो उनके आसपास घूम रही थी, उसको संदेह में लेके उन्होंने पुलिस को सूचना दिया, जिसमें से हमने त्वरित रूप से बस संचालक से पता किया तो वह बस मनीष बस थी। तो उन्होंने बताया कि 3 महिलाएं हैं जो इरागुड़ा के पास उतर गई हैं। उसके पश्चात वो उतर के दूसरा बस अर्श ट्रेवल में बैठ कर बालोद की ओर रवाना हुई हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने बालोद में झलमला के पास बस का घेराबंदी किया और उसमें से महिलाओं को हमारे महिला स्टाफ की उपस्थिति में जमा तलाशी लिया गया, जिस पर उनके पास रखे 1,30,000 पैसे बरामद किया गया। महिलाओं के विरुद्ध थाना गुंडरदी में IPC की धारा 379-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या लगता है सर, आगे भी और मामले हो सकते हैं इनके खिलाफ में, इस तरह के टाइम लोग करते आ रहे हैं? अभी पूछताछ की जा रही है, पूर्व में भी इस प्रकार के मामले हमारे थाना क्षेत्र में परिलक्षित हुए हैं, जिस पर पूछताछ के उपरांत ही पता चल पाएगा। हो गया क्या हो गया बाइक के क्या हो गया शुरू वाले हैं तो आते हो गए नहीं ये तो आधा वाले मेरे आते।